Today, through this video, I will tell you how to do the reading, specifically the questions in which we have to match the given information with the exact paragraph. So, let's start with the reading. As I told you in my previous video, students, that we will do the reading with the method of RUP technique. So, we will apply the same technique for solving these kind of questions. R stands for read the questions first carefully. U means Understand the demand and underline the keywords and P for passage raising. Here, I would like to tell you that ki jo RUP method hai means we have to read the questions of the particular section if it is related to GT or if it is related to academic, then we will read the questions of a particular passage first, not all the 40 questions together. Please keep this thing into your mind. Let's start with the reading. reading. Question 1 to 7 Look at the 7 reviews of suitcases A to G. यहाँ पे द बेस्ट सूट केसेज है सेवन टाइप ऑफ सूट केसेस आर गिवन ए बी सी डी ई एफ जी देअर फोर दे आर रिव्यूज ऑफ सेसेज ए टू जी फॉर विच सूट केस आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू कौन से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है किस सूट केस के लिए अप्रोप्रिएट है वो हमें देखना है यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस आप कोई भी एक लेटर एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे एक्जेक्टली सूटकेस का नाम नहीं लिखना है आपको सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि दिस इज फॉर ए सूटकेस और फॉर बी सूटकेस एंड यू कैन यूज एनी लेटर मोर देन वंस डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है देखते हैं दिस इज फॉर ये उनके लिए है हु विश टू हैचेज एक्सपेंसिव लगेज जो क्या करना चाहते हैं एक्सपेंसिव लगेज मतलब कॉस्टली लगेज बाय करना चाहते हैं जो कॉस्टली लगेज होता है जिनको परचेज करना है ये उसके लिए अप्रोप्रिएट है दिस सूटकेस इज राइट वन फॉर पीपल हु लाइक टू फॉलो द लेटेस्ट फैशन मतलब जो लेटेस्ट फैशन वाला बैग कैरी करना चाहते हैं ये उसके लिए है फर्स्ट वन इज फॉर द एक्सपेंसिव थर्ड इज इट इज ईजी टू चूज वन ऑफ दूट केस टू मैच मोस्ट क्लोदिंग क्लोदिंग मतलब कि जो अपने ड्रेस के साथ आउटफिट के साथ मैचिंग सूटकेस कैरी करना चाहते हैं दिस इज फॉर दोस्ट द मनुफैक्चर इज कॉन्फिडेंट दैट द सूट केस विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम इट मीन्स हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस सूट केस की जी ये जो सूट केस है ये क्या है लॉन्ग लास्टिंग है items in this suitcase will not be affected if it gets wet इस सूटकेस में रखी हुई आइटम्स इफेक्ट नहीं होंगी अगर सूटकेस क्या हो जाता है वेट हो जाता है अगर वो गीला हो जाता है तो मतलब रेजिस्टेंस पार के बारे में बात कर रहे हैं दिस सूटकेस इज ऑफ यूजफुल मीडियम साइज ये यूजफुल भी है और कॉम्पैक्ट इन साइज है मीडियम साइज का है तो यहाँ पे हमें साइज के बारे में देखना है दो who want to be reminded of an earlier age of travel विल लाइक दिस सूट केस की ये जो हमें बताता है रिमाइंड कराता है याद कराता है कि अर्ली एज में कैसे ट्रेवल करते थे काइंड kind ऑफ of है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि मैम हमें कीवर्ड्स लर्न नहीं रहते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स इफ यू आर अपलाइंग द आई यू पी मैथड फॉर द फर्स्ट टाइम देन यस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमाइंड द कीवर्ड्स बट व्हेन यू विल एक्सरसाइज द सेम मैथड फॉर टू और फोर रीडिंग्स देन यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस मैथड एंड दिस मैथड विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन सॉल्विंग द रीडिंग विद एक्यूरेसी अभी इसमें बहुत इजी है कीवर्ड्स को लर्न रखना कि एक एक्सपेंसिव ढूंढना है हमें एक लेटेस्ट फैशन के लिए एक क्लोदिंग के साथ मैच करना है एक ड्यूरेबिलिटी फैक्टर देखना है एक रेजिस्टेंस पार देखनी है कि विल नॉट इफेक्टेड सिक्स क्वेश्चन में हमें कीवर्ड को ध्यान में रखना है कि मीडियम साइज है और यूजफुल के बारे में बात हो रही है और सेवन में अर्लियर एज ऑफ ट्रेवल को रिमाइंड करवाता है ए पैराग्राफ ब्रिक्स एंड रेले वीकेंडर

आइटम्स इन दिस सूट केस विल नॉट बी इफेक्टेड इफ इट गेट्स वेट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है विदाउट शोइंग साइन ऑफ डैमेज तो इट मीन येफ एन दिस काइंड ऑफ सूट केस तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए जो हम मार्क करने जा रहे हैं दैट इज ए आई यू पी मैथड से आपका सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है फिफ्थ कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और उसी के लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और ये भी होता है कि उनको फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट का आंसर नहीं मिलता है तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि जो रीडिंग का लेवल है वो टफ है देर फोर आई सजेस्ट यू टू अप्लाई दिस मैथड फॉर सॉल्विंग द रीडिंग अभी आपका फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया बहुत ब्यूटीफुली और ये चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि ये कोई थर्म रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं जो लोकेशन है वो सिक्वेंशली मिलेंगे इट कैन बी इन जम्बल मैनर ऑल्सो नेक्स्ट मलबेरी Trimmed in brown leather with gold details, this bag from renowned fashion house is truly indulgent by. Renowned fashion house is truly indulgent by. If you are investing this much in a suitcase, you had better be planning a अमेजिंग हॉलीडे टू गो विद इट इसका मतलब ट्रोली इंडालजेंट टू बाई मतलब लग्जीरियस है एक्सपेंसिव है सिनेम बेस्ड उन्होंने पैराफेज किया है कि अगर आप कोई आप इसे रिनाउंड फैशन हाउस से बाई करते हैं ट्रोली इंडालजेंट है रिनाउंड मतलब फेमस पॉपुलर के बारे में बात कर रही है तो यहाँ पर अगर मैं चेक करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हमारा देखा जाए दिस सूट केस इज फॉर दोज हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव लॉगेज रिनाउन फैशन हाउस ट्रूलिंग किया हुआ है एक्सपेंसिवरियस होने की बात हैं तो यहाँ से ऑप्शन बी तो ए से हमारा क्वेश्चन सालसा डिजाइन यू केन ट्रस्ट दिस केस इज बिल्ड फॉर सुपर लाइट पॉली कार्बोनेट एंड इज इनक्रेडिबली सॉलिड द बिल्ट इन कॉम्बिनेशन लुक ऑफ लॉक ऑफर स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सो यू कैन ट्रेवल विथ पीस ऑफ माइंड ये एक ऐसा डिजाइन है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो सुपर लाइट है पॉलीकार्बोनेट इसका मटेरियल है इनक्रेडिबली सॉलिड है बिल्ट इन कॉम्बिनेशन लॉक जो है ऑफर करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पज को बता रहे हैं लॉग्स का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं तो आप विद मतलब ट्रेवल कर सकते हैं विद पीस ऑफ माइंड मतलब शांति से कर सकते हैं नेक्स्ट एज ट्रिप हॉलीडे सिंपल एंड अफोर्डेबल The trip range offers a great selection of tough cases they also come in huge range of cheerful colors that should go with anything you can choose to put on i read this sentence again also come in huge range of cheerful colors that should go with anything you choose to put on and you will definitely be able to spot it on the luggage carousel at the एयरबुट मतलब आप कुछ भी पहने ये उसके साथ मैच हो जाएगा बिकॉज ह्यूज रेंज ऑफ चीयरफुल कलर्स में आ रहा है ये चीज़ तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री मोस्ट मैचिंग क्लोदिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मैच करेगा मोस्ट क्लोदिंग्स के साथ हो रहा है और यहाँ पे बात कर रहे हैं एनी यू चूज टू पुट ऑन कि आप कुछ भी चूज करें वियर करने के लिए इसकी जो वाइड रेंज ऑफ कलर अवेलेबिलिटी है ये उसके साथ क्या हो जाएगा Easily. मैच हो जाएगा देन क्वेश्चन थ्री के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे डी नेक्स्ट ईस्ट पैक ट्रेनवर्स हॉलिडे फॉर दोस्त हु वांट समथिंग इन बिटवीन एंड एनुअल हॉलीडे सूटकेस एंड अ वीक बैग दिस इज अ फंटास्टिक कॉम्प्रोमाइज विथ टू व्हील्स अ टेलीस्कोपिक हैंडल द बैग इज़ ग्रंटेड फॉर थर्टी ईयर्स बैग की गारंटी कितनी है थर्टी ईयर्स है डिड वी मैंशन इट ऑल्सो कम्स इन कलरफुल लियो पार्ट प्रिंट कि ये एक लियो पार्ट कलरफुल प्रिंट में भी अवेलेबल है थर्टी ईयर्स की इसकी गारंटी है एनअल हॉलीडे के लिए ये यूज़ किया जा सकता है ये वीकेंड बैग भी है जो फेंटास्टिक कॉम्प्रोमाइज करता है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि वीकेंड बैग वीकेंड क्या होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होती है वीकेंड की तो ये क्या रहेगा कि यूज़फुल है और इन मीडियम साइज़ है तो यहाँ से अगर हम चेक कर

तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आर मेथड का अगेन आप बेनिफिट देख सकते हैं कि बाय रीडिंग ओनली थ्री लाइंस वी विल बी एबल टू सॉल्व आवर टू क्वेश्चन है ना कि हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं यहाँ से नेक्स्ट हेकल पार्सल

माय आंसर एफ तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया द डिप्लोमैट द ट्रेवल इन स्टाइल विद दिस ब्यूटीफुल सूट केस दैट गोज बैक टू द डेज व्हेन ट्रेन रन ऑन स्ट्रीम एयर ट्रेवल वाज लेजरली पास्ट में बात हो रही है कि गोज बैक टू द डेज देखिए उन्होंने पैराफ्रेज किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अर्लियर एज ऑफ ट्रेवल के साथ इसको रिलेट करना होगा और वो डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे तो यहां से वो हिंट ले सकते हैं गोज बैक टू द डेज की उन डेज की हमें याद कराते हैं जब ट्रेन रैन करती थी ऑन स्टीम एयर ट्रेवल वॉज लेजरली कि ये सिर्फ एक लेजर ट्रेवलिंग एक्टिविटी था द लेदर के इज पार्ट ऑफ दिस स्टीम लाइन लॉगेज रेंज फीचर्स रोलर व्हील्स अ मेटल फ्रेम टू होल्ड इट इन शेप तो दोज हू वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ एन अर्यियर एज ऑफ ट्रेवल विल लाइक दिस सूट केस तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा जी सेवन क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है आई होप यू लाइक दिस रीडिंग मैथड एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व योर रीडिंग इन द सेम वे विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी